हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे स्टूडेंट्स के एक कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे मैं न्यूमेरिकल को देखकर ही सॉल्व कर सकूं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शुभम लेक्चरर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज डिस्कस करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इसके जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टिप्स वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली का मतलब मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है आप लोगों के लिए, जिसको मैं ट्रिक के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ठीक है, उस न्यूमेरिकल को, जो न्यूमेरिकल आपको लगाना है, उस न्यूमेरिकल को ध्यान से दो से तीन बार, ठीक है, दो से तीन बार पढ़ें। अगर आप ये सभी टिप्स फॉलो करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद जो टिप्स मैं आपसे बताऊंगा, अगर आप ये सभी टिप्स फॉलो करेंगे तो न्यूमेरिकल आपका 50% वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो फार्मूला याद करेंगे उस सब पर आपका डिपेंड करता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ें। जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने है जिसको आपको सॉल्व करना है, उस न्यूमेरिकल को दो से तीन बार पढ़ें, ताकि उसमें जो कुछ भी दिया गया है उसके बारे में आप जान सकें और उससे रिलेटेड फार्मूला को याद कर सकें। तो देखिए, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको पढ़ना है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2×10^-5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। मैंने एक बार पढ़ दिया, आपको दो से तीन बार पढ़ना है और ये समझना है कि ये किस चैप्टर से है, इसका फार्मूला क्या होगा और इसे हमें किस प्रकार से लगाना है, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड जो है इसे डिटेक्ट कर लेता है अपने अंदर और उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं उसको आपको याद दिलवाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यू को लिखें। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब आप न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यू को लिखें, जितनी भी वैल्यूज न्यूमेरिकल में दी गई हैं उनको आप लिखते हुए चले जाएं, ठीक है। तभी आप उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे न्यूमेरिकल है, इसमें वैल्यू क्या है, जैसे वैल्यू आप लोग समझ सकते हैं, क्या वैल्यू, विभवांतर दिया गया है 50 वोल्ट, ये एक वैल्यू है, और आवेश दिया गया है 2×10^-5 कूलाम, ये भी एक वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल्स में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको पहले आप लिख लें। जैसे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, तो विभवांतर 50 वोल्ट है, तो विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, वी से, तो वी इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है, वी वोल्ट है। उसके बाद देखिए बिंदु आवेश, आवेश का क्या लिखेंगे, क्यू, क्यू कितना दिया गया है, 2×10^-5 कूलाम, ठीक है, समझ में आया। दोनों वैल्यूज को हमने लिखा, निकालना क्या है आपको, कितना कार्य, कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको निकालना है W, तो W आपको निकालना है, ठीक है। तो दो टिप्स समझ में आया, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में जो भी वैल्यूज न्यूमेरिकल में दी गई हैं उनको आप लिख लें, ठीक है। अब आपका माइंड क्या करेगा, इससे रिलेटेड जो फार्मूला आपको याद था उसको ये जो है याद करवाएगा। जैसे देखिए W, V एंड Q दिया गया है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया, कि न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यूज को लिखें। इसके बाद में देखिए हमारा तीसरा टिप्स क्या है, ठीक है, अब फार्मूला आपको अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करें, जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ उस वैसे ही आपको करना है, ठीक है। क्या करें, आप फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूले को आपको याद करके रखना है। जो भी मान लीजिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना है तो फिजिक्स के फार्मूले को आप याद कीजिए, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला को आपको याद रखना है,
अगर आप ये दोनों टिप्स ऊपर के फॉलो करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे, तो फार्मूला अगर आपने कभी याद किया होगा तो आपके माइंड में वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फार्मूला आपको निरंतर याद करते रहना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे, अगर आप पहले से फार्मूला याद करे रहेंगे, मान लीजिए भूल भी गए हैं, तो भी आपको वो फार्मूला याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल पर जैसे आपको फार्मूले को रखना है, तो मैं फार्मूला रख देता हूँ जो कि न्यूमेरिकल पर जो है फॉलो होगा, ठीक है। तो देखिए फार्मूला कैसे क्या होगा इसका, तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू इक्वल टू इसका फार्मूला होता है, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू वी यानी कि विभवांतर इंटू आवेश, वी इंटू क्यू, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। ऐसे आपको इन फार्मूलाज को याद रखना है, ठीक है, मैंने याद किया तो मुझे मालूम है, तो ऐसे आपको भी याद करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, डब्ल्यू ऐसे रहने देंगे, निकालना है आपको वी, वी आपका है 50 वोल्ट। इसके लिए आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट जब आप कर पाएंगे जल्दी तो न्यूमेरिकल भी आपका जल्दी लगेगा। तो W इक्वल टू वी इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर 50 वोल्ट आपका V दिया गया है, Q आवेश दिया गया है 2×10^-5 कूलाम। अब देखिए फाइनली जब आप इनका जो है जब मल्टीप्लाई आपस में इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 का 2 से गुणा कीजिए 100 आ जाएगा इंटू 10^-5। अब देखिए ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब आप इसका गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो देखिए 10 है 100 है तो इसको हम 10^2 लिख सकते हैं, और ये -5 है तो -5 इसमें कर सकते हैं क्योंकि 10 10 बराबर है, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, W इक्वल टू ये समझ में आना चाहिए, देखिए 10^2 इंटू 10^-5 इस प्रकार से हमने किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 2 10 10 बराबर है नीचे, तो 10 × 2 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फाइनली आ जाएगा, 2 में से जब 5 जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो 10^-3 जूल, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स को लगाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, उसकी वैल्यूज को लिखना है, उसमें फार्मूला को ऐड करना है, ठीक है, और आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा आसानी से। तो ये थे आपके कुछ टिप्स, अभी मैं आपको कुछ और टिप्स बता देता हूँ। जैसे आपने फार्मूला अप्लाई किया, अब आप क्या कीजिए, जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, फार्मूला उनको याद करें, फार्मूला याद करें, क्योंकि मैं टिप्स बता रहा हूँ तो इसमें आपका ये टिप्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला याद करें। आपको ऑलरेडी फार्मूला याद करके रखना है, फार्मूले के बिना आप न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फार्मूला जरूर याद करना है, फार्मूले कुछ आपको ट्रिक्स से भी मिल जाएंगे, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको मेरे चैनल पर भी फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर्स वाइज, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका जो टिप्स है इसको आप फॉलो कीजिए सबसे पहले, ठीक है। फार्मूला जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिखे तो आप उसको पढ़िए, उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं उनको समझिए क्या क्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में उससे रिलेटेड फार्मूला को ढूंढिए, वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको याद करना होगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिसकी सहायता से आप फार्मूला को आसानी से न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। और स्टूडेंट इस सभी टिप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए, आपको गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा पाएंगे। इन सभी का PDF बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं और इन टिप्स को बार बार आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छा लगा होगा। और आप अगर क्लास 12 में तो आप मेरे चैनल पर तैयारी कर सकते हैं, सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट को की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही,